हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे नीति शास्त्र के बारे में। नीति शास्त्र जो आईएएस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, तो चलिए हम पढ़ते हैं नीति शास्त्र के बारे में। नीति शास्त्र क्या होता है पहले हम उसके बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए देखते हैं नीति शास्त्र। नीति शास्त्र होता क्या है? नीति शास्त्र एक आदर्शवादी विज्ञान है जो मानव के आचरण का मूल्यांकन करता है। नीति शास्त्र एक तरह का विज्ञान है। क्या एक तरह का विज्ञान है? आदर्शवादी विज्ञान है, मतलब सम्मान का विज्ञान है और सिद्धांतों का विज्ञान है, इसीलिए इसे आदर्शवादी विज्ञान कहा गया है। जो मानव के आचरण का मूल्यांकन करता है, मतलब जांचता है, आचरण को जांचता है मानव के, कि मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, एक अच्छे कर्म कर रहा है और एक बुरे कर्म कर रहा है, तो अच्छे और बुरे कर्म के ही हम नीति शास्त्र का यूज करते हैं। इसके बारे में पढ़ने के लिए ही हम नीति शास्त्र बोलते हैं। नीति शास्त्र ऐसे आचरण को, कार्यों आचरण को देखने का काम करता है जो सही है या गलत है। मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति अच्छे काम कर रहा है और एक व्यक्ति बुरे काम कर रहा है, तो उसके अच्छे और बुरे काम को ही जानने के लिए हम नीति शास्त्र को पढ़ते हैं। नैतिकता, नैतिकता क्या होता है? नैतिकता ये आईएएस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसे हमें ध्यान से पढ़ना चाहिए। इसे आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। नैतिकता, नैतिकता क्या होता है? अनिवार्य रूप से एक सामाजिक व्यवस्था है। ये एक तरह का व्यवस्था है। कैसा व्यवस्था है? सामाजिक व्यवस्था है, जिसका उद्देश्य समाज का हित होता है। ये केवल समाज के कल्याण के लिए ही ये नैतिकता को हमने बनाया है। नैतिकता कहाँ से आया, आपको कुछ अंदाजा है? नैतिकता कहाँ से आया? हमारे आसपास के जैसा भी माहौल होता है, उस तरह का हम नैतिकता सीखते हैं। मान लीजिए हमारे आसपास का माहौल बहुत अच्छा है, तो हमने अच्छे आचरण सीखे, अच्छे नैतिकता सीखे। अगर हमारे आसपास का माहौल अच्छा नहीं है, तो हम बुरे कार्य करेंगे, कहते हैं ना, तो उसी तरह नैतिकता के बारे में हम पढ़ते हैं। तो नैतिकता जो दृष्टि से मानव को देखने के लिए, हम बहुत सारे मानव होते हैं तरह तरह के, जो दो तरह के हम यहाँ लिखे हुए हैं, एक निजी हित, एक समाज कल्याण। निजी हित जो अपना और अपने ही बारे में सोचते हैं, जो अपने हित के बारे में सोचते हैं। मान लीजिए कि एक जेलर है और चार पांच कैदी हैं। जेलर को चार पांच कैदी हैं, जो उनके कुछ आदमी आते हैं और जेलर को कुछ पैसे दे देते हैं, तो जो जेलर है उसका नैतिकता वहीं ख़त्म हो जाता है। उसको पैसे लेने के बाद उसके मन में एक लालच आ जाती है, वहीं उसकी नैतिकता ख़त्म हो जाती है और वो पैसे लेके उन्हें छोड़ देता है। तो ये एक तरह का नैतिकता को समाप्त करना, नष्ट करना हुआ ना, लालच उसके मन में बसा, उसी लिए उसे निजी हित कहते हैं। और समाज कल्याण, समाज कल्याण मतलब बस दूसरों की मदद करना, अपने मदद को त्याग कर दूसरों की मदद करना केवल। मतलब मान लीजिए कुछ भिखारी आए हुए हैं और एक व्यक्ति के पास उसके लिए बस थोड़ा सा खाना बचा है जो उसका पेट भर सकता, और चार पांच भिखारी आए हुए हैं, अगर वो उसकी नैतिकता ये बोलती है कि हम उनका पेट भर दें तो चार पांच लोगों का पेट भरेगा, और अगर हम खाएंगे तो बस हमारा ही पेट भरेगा, तो उन्हें खाना देकर उनका पेट भरता है, तो उसकी नैतिकता अच्छी है, वही समाज कल्याण कहलाएगी। कुछ महापुरुष के बारे में हमने यहाँ लिखा है, तो अगर हम आईएएस के एग्ज़ाम में इस महापुरुषों के बारे में अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं और लिख देते हैं, तो आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इन महापुरुषों ने नीति शास्त्र को कैसे व्यक्त किया है। विलियम लिली के अनुसार, एक महापुरुष थे विलियम लिली, उनके अनुसार नीति शास्त्र के बारे में हम, उन्होंने क्या अपने थॉट दिए हैं उसके बारे में हम बताएंगे। जो व्यक्ति के कर्म के उचित तथा अनुचित होने का निर्णय देता है। विलियम जो लिली हैं, वो बोलते हैं कि नीति शास्त्र मनुष्य के उचित और अनुचित होने का निर्णय देता है, मतलब कौन सा व्यक्ति उचित है और कौन सा व्यक्ति अनुचित है, उसका जो निर्णय लेता है वही नीति शास्त्र कहलाता है। और एक और महान पुरुष हैं जो मैकेनजी, इनके अनुसार जो व्यक्ति के व्यवहार में सत्य या शुभ को प्रस्तुत करता है, मतलब कोई भी व्यक्ति जो सत्य और शुभ को प्रस्तुत करता है, मतलब अच्छाइयों को प्रस्तुत करता है, वो एक तरह का हमारा नीति शास्त्र है। हमने नीति शास्त्र के बारे में बस कुछ पढ़ा, अब हम
उनके खंडों के बारे में पढ़ेंगे। उनके चार खंड होते हैं, अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। एक मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, नैतिक, व्यवहारिक। मनोवैज्ञानिक, मनुष्य की इच्छाएं एवं सोच के बारे में अध्ययन। अब मनोवैज्ञानिक, इच्छा पर निर्भर करती है। मान लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल के तरीके से समझाती हूँ। एक ऑफिसर है, आईएएस ऑफिसर है, ठीक है। उसे कुछ लोगों ने आकर बोला कि मेरा ये काम है, इस पे साइन कर दीजिए, और वो काम इलीगल होगा। तो उसने मना कर दिया कि मैं ये इलीगल काम नहीं करवा सकता, लेकिन उन आदमियों ने कुछ पैसे दे दिए, तो उसकी इच्छाएं बदल गईं, मन की आवाज़ बदल गई, वो लालच में पड़ गया कि पैसे लेकर हम कुछ अपना अच्छा काम कर सकते हैं। वही इच्छाओं और सोच के बारे में इस मनोवैज्ञानिक के बारे में अधिक करते हैं। सामाजिक, व्यवहार मानव का, मानव के व्यवहार में क्या क्या है, अच्छा है या बुरा है। सामाजिक में वही पढ़ते हैं हम लोग, व्यवहार के बारे में, मनुष्य का व्यवहार कैसा है, अच्छा है या बुरा है, उसके बारे में हम व्यवहार में सॉरी सामाजिक में अध्ययन करते हैं। नैतिक, नैतिक क्या होता है। अच्छे और बुरे कर्म, मनुष्य के अच्छे कर्म और बुरे कर्म हमारे नैतिक कहलाता है। व्यवहारिक, व्यवहारिक में हम ये पढ़ते हैं कि जो भी मनुष्य का व्यवहार कैसा है, अच्छा है या बुरा है, या नैतिक या अनैतिक, शुभ है या अशुभ, अच्छा बुरा, इसी के बारे में हम व्यवहारिक के बारे में पढ़ेंगे। ये हमने चार खंडों के बारे में उसके बारे में पढ़ लिया है। अब हमें नीति शास्त्र पढ़ने के लिए, उसको जानने के लिए, कुछ नियमों को जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए अब हम उसके नियमों के बारे में पढ़ेंगे। पहला नियम क्या कहता है, सार्वजनिकता, सार्वजनिकता का नियम कहता है। तो इस नियम में क्या कहता है, एक महान वैज्ञानिक थे अरस्तु, उन्होंने अपने थॉट से सार्वजनिकता को बारे में समझाया। तो चलिए पढ़ते हैं उन्होंने क्या थॉट दिया था। जो समाज में रहने में असमर्थ हैं, वह भी अपना जीवन गुजारा कर लेते हैं हर परिस्थिति में, वो अवश्य या तो कोई पशु होंगे या कोई देवता। समाज में ऐसे भी लोग हैं जो समाज में रहने में असमर्थ है, मतलब उनके पास घर नहीं है, कुछ भी नहीं है, खाने को पैसे नहीं है, फिर वो किसी तरह गुजारा कर रहे हैं ना, कहीं रेलवे स्टेशन पे सो के तो कहीं भी सो के अपना समय व्यतीत कर रहे हैं ना। तो उनके बारे में उन्होंने बोला है कि या तो वो कोई अवश्य पशु होंगे या कोई देवता। ये है सार्वजनिकता का नियम, पहला नियम। अब दूसरा नियम क्या कहता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। परामर्शकता, परामर्शकता के बारे में अब हम पढ़ेंगे। सच बोलना, इसका मतलब होता है सच बोलना। मान लीजिए दो बच्चे हैं, ठीक है, दो बच्चे स्कूल से आ रहे हैं, खेलते खेलते एक बच्चा कहीं नाली में गिर जाता है, ठीक है, या कहीं बहुत इस लड़ाई झगड़ा कर लेता है और अपने आप को पूरा ड्रेस वगैरह फाड़ फूड़ के किसी तरह आ जाता है, ठीक है। तो जब घर पहुंचता है, उसकी मम्मी ने पूछती है कि ये कैसे हुआ है। तो एक बच्चा अपने भाई को बचाने के लिए झूठ बोलता है, वही होगा परामर्शकता। उसने उसके किसी को बचाने के लिए झूठ बोला है, वही कहलाएगा परामर्शकता। ये उसका नियम। अपराध बोध, अब तीसरे नियम के बारे में हम पढ़ेंगे। अपराध बोध, जो प्लूटॉर्क नाम के एक महापुरुष हैं, उन्होंने बताया अपने थॉट में अपराध बोध को विस्तृत किया है। तो हम चलिए पढ़ते हैं। ऐसे कोई मनुष्य नहीं जिसे अपने जीवन में कोई गलती नहीं की हो, लेकिन मनुष्य अपनी गलतियों से एक सीख लेती है और समझदार हो जाता है। इन्होंने अपने थॉट में ये कहा है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो अपने जीवन में कभी कोई गलती ना किया हो। ऐसा कोई भी व्यक्ति तो नहीं है, जहाँ तक हर व्यक्ति किसी ना किसी परिस्थिति में कोई ना कोई गलती कर बैठता है। तो उन्होंने क्या कहा है कि उस गलती से वो कुछ सीख लेता है और समझदार बन जाता है। वही अपराध बोध में प्लूटॉर्क ने अपने थॉट दिए थे। अब चौथा, समग्र दृष्टिकोण, चौथा नियम कहता है समग्र दृष्टिकोण, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। मनुष्य नैतिक कार्य करने के लिए अपने परित्याग करता है और
अपना निजी स्वार्थ त्याग देता है, वही मनुष्य समग्र दृष्टिकोण में नैतिक मनुष्य कहलाता है। तो इस समग्र दृष्टिकोण में मनुष्य जो होता है समाज के कल्याण के लिए अपना हित त्याग देता है, मतलब अपने आप का सुख सब कुछ त्याग कर समाज के लिए लग जाता है, अपना कुछ निजी हित नहीं देखता, समाज के कल्याण को ही देखता है। जैसे मैंने आपको भिखारी वाला एग्जाम्पल बताया था, सेम वही एग्जाम्पल इसके लिए भी होगा। और पांचवा आता है सामाजिक हित। भलाई करने के लिए कोई भी दिन छुट्टी का नहीं होता। अरस्तु जो महान वैज्ञानिक हैं, उन्होंने अपने थॉट लिखा है कि जो भी अगर किसी को भलाई करना है तो कोई भी दिन छुट्टी का नहीं होता है। मतलब आपको अगर भलाई करना है तो आपको छुट्टी नहीं लेनी पड़ेगी, आप ऐसे भलाई कर सकते हैं। अब ये हमने नियमों के बारे में पढ़ लिया है, अब हम कुछ नैतिकता संबंधी दृष्टिकोण के बारे में पढ़ेंगे, वो भी चार तरह के होते हैं। दृष्टिकोण, दृष्टिकोण क्या होता है, मतलब आपने आपका नजरिया। तो पहला नजरिया हमारा क्या कहता है, व्यक्तिवादी दृष्टिकोण। व्यक्तिवादी दृष्टिकोण के बारे में आज मैं आपको अच्छे से एग्जाम्पल के साथ मैं एक्सप्लेन करूँगी। तो व्यक्तिवादी दृष्टिकोण क्या कहता है, मान लीजिए एक व्यक्ति है बाइक से जा रहा है और पीछे से एक ट्रक वाला उसको आके ठोक देता है और उसका एक्सीडेंट बहुत बुरी तरह से हो जाता है। उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए वो तड़पता रहता है, तो समाज जितने भी समाज में लोग हैं वो आते हैं, एक तरह के ऐसे लोग होते हैं जो उसकी मदद के लिए तुरंत दौड़ कर जाते हैं, और एक ऐसे लोग होते हैं जो बोलते हैं इन सब चक्करों में मुझे नहीं पड़ना है, अपना हित देख के वहाँ से चले जाते हैं। जो लोग उसकी मदद करने के लिए जाते हैं वही व्यक्तिवादी दृष्टिकोण के होते हैं। भलाई करने के लिए जा रहे हैं, उनकी नैतिकता अच्छी है तो उसके लिए वो जा रहे हैं उसकी मदद करने। अब दूसरा है वस्तुवादी दृष्टिकोण। इसके अनुसार वह अन्य सभी व्यक्ति के लिए एक नैतिक कर्म रूप स्वीकार किया जाएगा। मतलब जो भी व्यक्ति है उसके लिए एक नैतिक कर्म, उसके नैतिक कर्म कैसे हैं वो स्वीकार किया जाएगा। अब तीसरा आता है उपयोगवादी दृष्टिकोण। ठीक है, उपयोगवादी दृष्टिकोण में क्या होता है, मान लीजिए एक पानी सप्लाई ऑफिसर है, वाटर सप्लाई ऑफिसर, उसके पास एक ही टैंक है पानी का, ठीक है, और कुछ फैमिली, चार पांच लोग फैमिली में एक हैं, वो आते हैं उससे पानी लेने, और पूरा यहाँ पे से एक पूरा गांव आता है लेने के लिए। तो एकदम उसका काम होता है पानी बांटना, लेकिन उसके पास तो एक ही टैंक है, वो या तो इनको दे सकता है या तो इनको दे सकता है। तो उसकी जो नैतिकता कहेगी कि वो पूरे गांव वालों को पानी दे, क्यों, क्योंकि अगर वो पूरे गांव वालों को पानी देता है तो सबके पेट भरते हैं, अगर वो इनकी इन लोगों को देता है तो केवल चार पांच लोगों के पेट भरे, तो उसकी नैतिकता क्या है, जिसकी ज़्यादा पेट भरेगा तो वो पूरे गांव वालों को ही देगा ना। तो अगर उसकी नैतिकता ये कहेगी, अच्छी नैतिकता वाले होंगे तो इधर ही देंगे। ठीक है, मानव के कर्म ही उसके विचार का सर्वश्रेष्ठ व्याख्या है। लॉक एक महापुरुष है जिन्होंने कहा है कि मानव का जो कर्म है उसका विचार का ही श्रेष्ठ व्याख्या है। मतलब जो उसका कर्म है वो जैसे कर्म करता है वो उसी तरह दिखना स्टार्ट हो जाता है, उसके विचार उसी तरह बोलते हैं। अब रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक थॉट दिया था कि मानव तभी तक श्रेष्ठ है जब तक वो मनुष्य का दर्जा प्राप्त किया है, मनुष्य तत्व का। मतलब वो उन्होंने बोला था मानव तभी तक श्रेष्ठ है जब तक वो मनुष्य का दर्जा प्राप्त किया है, मतलब उनके अंदर जब तक इंसानियत है तब तक मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है। जहाँ उनके अंदर से इंसानियत चली जाती है तो वो एक पशु के बराबर हो जाता है, क्योंकि पशुओं के पास तो कोई दिमाग होता नहीं है, तो पशु अगर वो भी ऐसे ही काम कर ले तो पशु और जानवर में क्या फर्क रह जाएगा। तो अब कुछ विशेषताएं हैं नैतिकता के बारे में, तो आज ये हम पढ़ते हैं उसके बारे में। नैतिकता एक आंतरिक पक्ष है जिसका पालन व्यक्ति स्वेच्छता से करता है। जो नैतिकता आती है, अच्छी बातें आती है, हमारे अंदर से आती है, ऊपरी मन से नहीं कि हम करेंगे, अंदर से आवाज़ आती है कि हाँ हमें अच्छे कर्म करना है, आंतरिक पक्ष है। नैतिकता का संबंध व्यक्ति के विवेक से है, मतलब नैतिकता का संबंध व्यक्ति के अच्छाइयों से है। नैतिकता अंतरात्मा की आवाज़ है, जो नैतिकता होती अंदर की आवाज़ से आती है,
ये नहीं कि कोई बोल दिया तो अच्छा कर्म हम करने लगे, अंदर से आना चाहिए, अंदर से आता है वो। नैतिकता मूल्यों पर सभी लोग विश्वास करते हैं, जो हमारा नैतिकता है सब लोग उस पर विश्वास करते हैं, इसके मूल्य पर सब लोग विश्वास करते हैं। नैतिकता तर्क और विवेक पर आधारित है, नैतिकता तर्क और अच्छे कामों पर आधारित है। नैतिकता समय एवं परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित हो जाता है, समय और परिस्थिति के अनुसार वो चेंज हो जाता है। कैसे चेंज होता है, मान लीजिए किसी बच्चा है, वो पढ़ाई नहीं कर रहा है, ठीक है। अब उसकी मम्मी ने आकर उसको चॉकलेट दे दिया, बोला कि अगर आप पढ़ाई करोगे तो मैं आपको और चॉकलेट दूंगी, तो वहीं उसकी दिमाग चेंज हो रहा है कि लालच आ जाता है कि अब अगर पढ़ाई करेंगे तो और चॉकलेट मिलेगा, इसलिए वो पढ़ाई करने लगता है। वही परिवर्तित हो जाता है स्थिति के और समय के अनुसार परिवर्तित हो जाता है। नैतिकता संबंधी कुछ अपवाद थे, क्या अपवाद थे, सती प्रथा। सती प्रथा के बारे में तो आपने सुना ही होगा, बरसों से चली मानी यह प्रथा बुद्ध नियमियों द्वारा चलाई गई थी। मतलब इस प्रथा में क्या होता था कि अगर पति मर जाते थे तो पत्नियों को उनके जहाँ उनका अस्थि जलता था उसी में उनको ढकेल दिया जाता था, जहाँ उनकी चिता जलती थी उसी में उनको ढकेल दिया जाता था, उनके साथ उन्हें जला दिया जाता था, जो ये नैतिकता के विरुद्ध थी। ये तो सही नहीं है ना कि मान लीजिए कोई किसी का पति मर गया तो उसकी पत्नी के क्या दोष, उसे उसमें ढकेल दिया जाता है, जला दिया जाता है, ये हमारे जो नैतिकता के विरुद्ध था। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी टॉपिक आपको अच्छे से समझ ना आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें और शेयर करें। अगर आपको नैतिकता के बारे में आपने अच्छे से पढ़ा, अगर आपको किसी फ्रेंड को इस लेक्चर के बारे में ज़रूरी है उसको पढ़ना है, अगर आप शेयर करेंगे तभी तो आपने नैतिकता के बारे में अच्छे से पढ़ा। ओके, थैंक यू।